अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, हुकूमत और शिद्दत पसंदों के दरमियान मुज़ाकराती अमल बड़े जोशो खरोश से जारी है और फरीकैन अब की पेशरफ्त से मुतमईन दिखाई देते हैं, लेकिन ये कैसा इत्मीनान है कि मुज़ाकरात भी जारी हैं और धमाके भी जारी। तालिबान की जानिब से कराची पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बस धमाके में 13 पुलिस एहलकारों की शहादत की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद इस बात में कोई शुबा नहीं रहा कि मुज़ाकरात की बिसात पर किसी बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है। गोकि मुज़ाकराती शिद्दत पसंदों ने गुज़िश्ता वाक़ियात से लातालुकी का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तहरीके तालिबान धमाके नहीं कर रही तो फिर रोजाना की बुनियाद पर लाशें कौन गिरा रहा है। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात की मेज पर बैठने वाले शिद्दत पसंद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस ही नहीं तो फिर मुज़ाकरात किस बात पर हो रही हैं। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि जो शिद्दत पसंद धमाके कर रहे हैं वो मुज़ाकरात की मेज पर क्यों नहीं और उनकी कार्रवाइयां रोकेगा कौन। एक तरफ शिद्दत पसंदों की सख्त कंडीशंस के बायस मुज़ाकरात की बिसात लपेटे जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, दूसरी तरफ रोजाना की बुनियाद पर होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तानियों के आसाब का इम्तिहान ले रहे हैं। हुकूमत और शिद्दत पसंदों के दरमियान मुज़ाकरात का अमल कब तक जारी रहता है, इस दौरान मजीद कितनी खूनरेजी होती रहेगी और इन मुज़ाकरात का एंड रिजल्ट क्या होता है, हम अपने आज के शो में यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद हामिद साहब। ज़ाहिद हामिद साहब, आप देख रहे हैं कि मुज़ाकराती अमल प्रोसेस जो है वो भी कंटिन्यू है और साथ साथ जो हमें शिद्दत पसंदों की जानिब से धमाके होते हुए नजर आ रहे हैं और अब रीसेंट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बस में हम अपने 13 पुलिस वर्कर्स जो हैं उनको शहीद कर देते हैं और फिर जिम्मेदारी बड़े डंके की चोट पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के शाहिदुल्ला शाहिद कबूल भी कर लेते हैं, तो अब ये बताइएगा कि आखिरी मुज़ाकराती अमल जा कहां रहा है। लेकिन हम इससे पहले कि अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करें, हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में किन बातों को पॉइंट आउट किया है शाहिदुल्ला शाहिद ने। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। कालेदम तहरीके तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्ला शाहिद का कहना है कि वो पाकिस्तान में शरीयत का निफाज चाहते हैं। शरीयत नाफिज होने की सूरत में मुला उम्र इनके अमीरुल मोमिनीन और मुला फजलुल्ला खलीफा होंगे। मुला फजलुल्ला में पाकिस्तानी कौम की कयादत की तमाम खसूसियात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से गैर इस्लामी जमहूरी निजाम और अमेरिका से दोस्ती की वजह से जंग लड़ रहे हैं। शाहिदुल्ला शाहिद ने कहा है कि हुकूमत से बगैर शर्त के मुज़ाकरात शुरू करने की बात हुई, लेकिन आईन के तहत मुज़ाकरात की बात करने को वो हुकूमत की पेशगी शर्त के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान होने वाले बॉम्ब धमाकों में तालिबान मुलव्वस नहीं। तालिबान तर्जुमान ने यह कहा है कि पोलियो वर्कर्स पर कभी भी हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तालिबान तर्जुमान का यह भी कहना है कि इनकी जंग कियानी या पाशा तक महदूद नहीं, इनकी असल दुश्मन पाकिस्तानी फौज और इसके मरकजी किरदार हैं। मरियम नवाज हमारी हिटलिस्ट पर नहीं। वीना मलिक के बारे में तालिबान तर्जुमान का यह कहना है कि अगर वाकई उन्होंने शोबिस की दुनिया छोड़ दी है तो वो तमाम खवातीन के लिए एक मिसाल साबित होंगी। तर्जुमान तालिबान ने यह भी कहा कि वो एक कुव्वत है और हर एक इनकी ताकत से आगाह है। इस बात को पहले कबूल कर लिया जाता तो इतना खून न बहता। अब हुकूमत ने इनकी हकीकत को तस्लीम किया है जो इनकी कामयाबी है। जी ज़ाहिद हामिद साहब, आपने जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनी है, वो कह रहे हैं कि जो उनके मुल्ला फजलुल्ला हैं वो खलीफा होंगे और जो मुल्ला उमर है वो अमीरुल मोमिनीन होंगे और मुल्ला फजलुल्ला के पास तमाम खसूसियात मौजूद है जो पाकिस्तानी कौम को लीड कर सकते हैं। क्या क्या कहिएगा, ये हो क्या रहा है? देखिए, इस कौम की बदनसीबी होगी और बदनसीबी है कि ये इस खवारिज ग्रोह के बारे में हुजूर सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से सबक नहीं सीखते। हुजूर ने ये बात बड़ी वाजे फरमाई थी, एक एक लफ्ज जो शाहिदुल्ला शाहिद ने बका है हम कहेंगे, ये साबित कर देता है कि सैयदी रसूलुल्लाह की जो अहादीस इन पर लगती है ये खालिसतन एक खवारिज का ग्रोह है जिनको हुजूर ने 3 दफा फरमाया है कल्लाबुन्नार कल्लाबुन्नार कल्लाबुन्नार, ये जहन्नुम के कुत्ते हैं और कुत्ते इतने जलाल में सईदी को कभी नहीं देखा गया जितना आपने इस ग्रोह के बारे में बात करते हुए फरमाया। और ये खास देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी दुश्मन पाकिस्तान आर्मी है इंडिया की, हिंदू मुशरिकों की। पाकिस्तान आर्मी को तबाह करने के लिए इस वक्त हिंदू मुशरिक और यहूदी पूरी दुनिया से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाक आर्मी को तबाह कर दिया जाए, जो नहीं कर सके।
और शाहिद उल्ला शाहिद ने अपने मुंह से कहा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई है, हम इनको खत्म करके दम लेंगे। तो ये किसकी ड्यूटी कर रहा है? और हुजूर ने हदीस मुबारका में ये बात फरमाई थी कि ये हिंदुओं से मदद लेंगे, बुतपरस्तों से मदद लेंगे, मुशरिकों से मदद लेंगे और मुसलमान फौजों को खत्म करेंगे, कत्ल करेंगे और मुसलमानों पर हमले करेंगे। एग्जैक्ट इसके अल्फाज साबित कर रहे हैं हुजूर की हदीस। फिर हुजूर ने फरमाया था कि ये इस्लाम के और शरई नारे लगाएंगे, ये कहेंगे हम शरीयत चाहते हैं, हमें शरीयत। लोग बड़े मुतासर को नारे होंगे कि हमें खिलाफत का निजाम चाहिए, हमें खलीफा चाहिए, हमें शरीयत चाहिए, लेकिन असल में ये दुनिया में आसमान के साए तले बदतरीन मखलूक होंगे और जो इनको कत्ल करेगा वो सबसे बेहतरीन सिपाही होगा, जो इनके हाथों मारा जाएगा वो बेहतरीन शहीद होगा। हुजूर ने उनको बेहतरीन शहीद कहा है कि जो इनके हाथों मारे जाएंगे। बात यह है कि शाहिदुल्ला शाहिद ने बात कन्फर्म कर दी, ये इस्लाम नहीं चाहते, ये इस्लामाबाद चाहते, ये पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते। और ये जो बात हम पहले दिन से वार्न कर रहे थे कि एक नापाक पलीत दहशतगर्द ग्रोह को जब आप पाकिस्तान की एटमी इस्लामी ताकत उनसे मुजाकरात शुरू करती है तो उस कमीने ग्रोह को आप नाली से उठाकर आसमान पर बिठा देते हैं, और यही हुआ इसके साथ। इनके दिमाग खराब हो गया कि अब तो रियासत ने हमें तस्लीम कर लिया। वो बिल्कुल अपने इंटरव्यू में ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि हम एक कुव्वत हैं और हर एक इनकी कुव्वत से आगाह है, इस बात को पहले कबूल कर लिया जाता तो इतना खून ना बहता, अब हुकूमत ने उनकी हकीकत को तस्लीम कर लिया है जो उनकी कामयाबी है। यही हम तो क्या हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है? ये उस वक्त भी कुव्वत थे जब इन्होंने सवात पे कब्जा किया था, जब पाक आर्मी ने इनकी खाले उतारी, इनका सर उतारना शुरू किया, हमने इनकी कुव्वत का हाल देखा कि ये टांगों में दुम दुबा के किस तरीके से भाग रहे थे अफगानिस्तान छुपने के लिए। ये उस वक्त भी कुव्वत थे जब साउथ वजीरिस्तान पे इनका कब्जा था, फिर जब पाक आर्मी अंदर गई तो फिर हमने इनका हाल देखा। जब अगर पीछे से मुशरिक और हिंदू इनको ना बचाते तो ये वही खत्म कर दिए जाते साउथ वजीरिस्तान में। इनकी कुव्वत का हमको पता है, इनकी कुव्वत का हमें अंदाजा, और अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान जिस पर साया खुदाए जुल जलाल है, अल्लाह के रसूल के हुक्म से ये पाकिस्तान बनाए, उसके सामने उसकी पाक फौज के सामने इन खवारिज की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के फजल से कीड़ों की तरह रोन दिए जाएंगे। लेकिन फिर जायद हामिद साहब, पिछले 15 दिन हो चुके हैं इस मुजाकराती प्रोसीजर को स्टार्ट हुए हुए और इन 15 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में 15 धमाके भी हो चुके हैं, तो अब ये जो हमें प्रोसीजर नजर आ रहा है, प्रोसेस नजर आ रहा है पीस टॉक का, ये हम कितनी देर और खेलेंगे? हुकूमत का एक डाउन द रोड प्लान क्या है? अब हम साफ साफ आपको बात हमने बहुत पहले बताई थी जब इन्होंने पीस डील्स की बात की थी पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद, हमने कहा था न करना, ये टाइम गेन करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीग्रुप करेंगे और फिर शदीद हमले करेंगे और पीस डील में आपको उलझा कर खुद हमले करते रहेंगे और हुकूमत पाक फौज को रोक लेगी, और आज यही हो रहा है। अब मैं साफ साफ कह रहा हूं, ये जितने धमाके हो रहे हैं, इसके कत्ल की FIR नवाज शरीफ पे, इमरान खान पे, जमात इस्लामी पे, फजलुर रहमान पे और मुल्ला अब्दुल अजीज पे कटनी चाहिए। ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से पाक आर्मी को रोक दिया गया था, जिन्होंने झूठ बोला कौम के साथ, फ्रॉड करते रहे। ये तो शाहिदुल्ला शाहिद, ये तो खवारिज हैं, परले दर्जे के कंपल्सिव लायर्स हैं। हुजूर ने फरमाया था कि ये किसी वादे की पाबंदी करने वाले नहीं है, मोहतात है ना, हुजूर ने फरमाया हदीस मुबारका में साफ लिखा हुआ है। और ये एक तरफ कहता है कि हम हमले नहीं कर रहे, फिर टीवी पे आके कहता है कि हम हमले कर रहे हैं। अब तो उन्होंने कराची धमाके की, जो पुलिस ट्रेनिंग बस में हमारे 13 जो कमांडोज हैं शहीद हुए हैं, उनकी बड़ी डंके की चोट की जिम्मेदारी कबूल की है। की बात नहीं है, और वो तो कह रहे हैं अपने साथियों पे हमले का बदला लिया गया है। पिशावर अमन कमेटी में एक बेचारे के 9 अफराद मर्द सारे घरों को निकाल के जिबा कर दिया उन बेचारों को, क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी का साथ दे रहे थे। कर वो ये रहे हैं कि जब पाकिस्तान आर्मी को रोका गया है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई न करें, तो इन्होंने चुन चुन कर पैरामिलिट्री को, पुलिस को, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले ट्राइबल्स को, कबाइलियों को, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान आर्मी के हिमायती खत्म हो जाए सारे। पाकिस्तान आर्मी के हाथ बांध दिए पीछे हुकूमत ने और इमरान ने, नवाज शरीफ ने, जमात इस्लामी ने, कि ये आप नहीं लड़ सकते, इनको इजाजत है कि हमले करें। और इसने जो ये बात कही है कि हम वही शरीयत मानेंगे, देखिए मैंने बात आपसे कही, ये शरीयत और इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहा है। अगर अल्लाह उसके रसूल और शरीयत के लिए लड़े तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी नाफिज कर दे। लेकिन कहते नहीं, हम वही शरीयत मानेंगे जिसमें हमारा देवबंदी फजलुल्लाह जो है, यानी देवबंदी इस्लाम के अलावा ये कोई इस्लाम नहीं मानते, ये बरेलियों को भी जिबा करने वाले, ये शियों को भी जिबा करेंगे, ये अहले हदीस को भी जिबा करेंगे, ये इस्माइलियों को भी जिबा करेंगे, ये कैलाश को भी जिबा करेंगे, ये गैर मुस्लिमों को भी जिबा करेंगे। इनकी शरीयत में, जो इनकी बनाई हुई शरीयत है, जो खवारिज की शरीयत है, उसमें सिर्फ मुल्ला फजलुल्लाह काबिल कबूल है। अब क्या मुल्ला फजलुल्लाह को आप पाकिस्तान का सदर बनाएंगे, खलीफा बनाएंगे आप?
اگر آپ چونکہ یہ میں آپ کو پہلے ہم نے کہا تھا یہ صرف مضحکہ خیز مسخرہ پن ہے، ایک جہالت اور حماقت ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، نہ کرو مار کھاؤ گے بعد میں۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید ان کو مہینہ دو مہینہ لگے ری آرگنائز کرنے میں، یہ 15 دن میں ری آرگنائز ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس پیچھے سے وہی سپلائی لائن کھلی ہوئی ہے، اصلہ روپیہ پیسہ۔ جب زید حامد صاحب ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ اگر یہ پیس ٹاکس فیل ہوتے ہیں تو ملٹری آپریشن سے وہ کس حد تک جو ہے ان پر اثر ہوگا، تو انہوں نے بڑے آرام سے جواب دیا ہے کہ اب ہم زیادہ بیٹر اکنامیکلی پولیٹیکلی اور ملٹیرلی آرگنائز ہیں، اور پریویس آپریشن کے مقابلے میں اب ان پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو جب چاہے اللہ کے فضل سے ہم ان کی کمر توڑ سکتے ہیں، ایک دفعہ ہمیں یہ حکومتی جوڈیشری کام تو کرنے دیں۔ پاکستان اگر تباہ ہوا ہے آج، اس لیے نہیں تباہ ہوا کہ ٹی ٹی پی بہت طاقتور ہے، اس لیے تباہ ہوا ہے کہ ہماری حکومت بغیرتوں پہ مبنی ہے، ہماری جوڈیشری جو ہے استغفر اللہ پر مبنی ہے کہ جو دہشت گردوں کو سزا نہیں دے سکتی۔ لیکن زید احمد صاحب، چودھری نثار صاحب تو کہہ رہے ہیں کراچی اٹیک کے بعد کہ دہشت گردی اور مذاکرات جو ہے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی، لیکن لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیز تھاٹس فرسٹ اینڈ دین وی ول گیٹ بیک ٹو اور ڈسکشن۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں بھی یہ بالکل واضح پیغام دیا ہے کہ مذاکرات اور تشدد کی کاروائیاں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جو طالبان کی اپنی کمیٹی، پروفیسر ابراہیم صاحب اور یوسف شاہ صاحب گئے تھے، انہوں نے یہ واضح طور پر پیغام پہنچایا، اور دوسری طرف سے یہ پیغام آیا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے، بہت سے گروپس ہمارے ساتھ کمیونیکیشن میں نہیں ہیں، رابطے میں نہیں ہیں، تو ہم چند دنوں میں سب کو اس بات پہ قائل کر لیں گے۔ حکومت کی واضح طور پر اس حوالے سے یہ بھی پیغام ہے کہ اگر یہ تشدد کی کاروائیاں جاری رہیں تو ظاہر ہے کہ اس سارے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جی زید حامد صاحب، ہمارے انٹیریئر منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بڑا واضح نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس سے بڑی جہالت اور حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں، یہ یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہے ان سے کہ جی ہمارے چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جن سے ہماری رسائی نہیں ہے، جن تک ہم پہنچ نہیں سکتے، لہذا وہ کاروائیاں کیے چلے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ دن دے۔ ارے بابا، بڑے بڑے حملے تو یہ خود اون کر رہے ہیں۔ شاہد اللہ شاہد نے کراچی کا حملہ خود اون کیا ہے کہ ہم نے کیا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ وہ کون سا چھوٹا گروپ تھا جس تک ان کی بات نہیں پہنچی تھی؟ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیں اعلان کر کے کہ جی ہم پورے پاکستان میں سیز فائر کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ تمام پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے گورنمنٹ کو یہ رپورٹ دی ہے، پریس میں چھپ چکی ہے یہ بات کہ یہ ٹی ٹی پی کا ایک حربہ ہے، ایک پلان ہے، گیم پلان ہے کہ حملے کرو، پہلے انکار کر دو، جب پھنس جاؤ ثبوت مل جائے تو کہہ دو ہاں ہم نے کیے۔ اب تو انہوں نے پشاور اور سوابی میں جو حملے ہوئے تھے ان کی بھی ذمہ داری لے لی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو مارا جاتا رہا ہے اس لیے ہم حملے کرتے رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک بلف، ڈسیپشن، جھوٹ، پروپیگنڈا، ڈس انفارمیشن کا کھیل ہے، یہ حکومت کی پوری مشینری سے زیادہ ہوشیار ہے اور یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے نئے نئے گروپ بنا لیے جن کے نام بھی آپ نہیں جانتے، خود حملہ کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ کسی ہمارے کسی اور گروپ نے کر دیا، ہم نہیں جانتے کون لوگ ہیں۔ یہ پرلے درجے کے مکار اور جھوٹے ہیں، اور جو بات ہم نے کہی تھی، دیکھیے آپ نے ان کو ری گروپ کرنے کا ٹائم دے دیا ہے، اب یہ حملے کرتے رہیں گے کسی صورت میں، کیونکہ ان کے ہینڈلرز سی آئی اے اور را ہیں۔ زیادہ احمد صاحب، ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اسی موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ناظرین اسٹے ود اس، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین، کراچی پولیس ٹریننگ سینٹر بس دھماکے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی، اور اسے کراچی، سوابی اور پشاور میں اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا انتقام بھی قرار دے دیا۔ اب ان حالات میں مذاکرات کا کیا جواز باقی رہتا ہے؟ ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زید حامد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کو شروع کریں، ہم چاہیں گے کہ آپ جو رستم شاہ مومن صاحب ہیں، جو حکومتی کمیٹی میں شامل ہیں، ان کی بھی سٹیٹمنٹ سن لیں جو انہوں نے 4 دن پہلے کہی تھی، اور پھر ہم آج کے حوالے سے اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ۔ پاکستان کے آئین سے باہر نہ بات ہوگی، نہ کسی گروپ کا یا تنظیم کا کوئی حق تسلیم کیا جائے گا کسی ٹیریٹری پہ، نہ کسی گروپ کا یا تنظیم کا حق تسلیم کیا جائے گا اپنا سسٹم امپوز کرنے پہ۔
جی زیاد حمید صاحب یہ چار دن پہلے تک کی سٹیٹمنٹ تھی حکومت کی جانب سے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اندر رہتے ہوئے بات چیت ہوگی لیکن انہوں نے تو شریعہ سے سٹارٹ کر دیا ملا فضل اللہ کو خلیفہ بھی بنا دیا پاکستان کا چار دن کے اندر اندر اور پھر وہ اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جنگ کیانی یا پاشا تک محدود نہیں ہے ان کی اصل دشمن پاکستانی فوج اور اس کے مرکزی کردار ہیں ہم آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں پاک فوج کو بھی ہم بڑا براہ راست کہیں گے کہ اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب آپ کے گھروں میں یہ داخل ہو جائیں آپ کے بچے مارے جائیں جب ہمارے تمام بڑے کمانڈرز اللہ نہ کرے مارے جائیں حکومت کی بغیرتی اور بے حسی کی وجہ سے نقصان پھر پاک فوج کو ہوگا اور یہ ہمارے اتنے قیمتی ہیرے ہیں کہ جن کو ہم اس طرح ان کتوں کے آگے ضائع نہیں کر سکتے اور پاکستان آرمی کو بہت پروایکٹیو ہونا پڑے گا جو بہتر ہے وہ کریں ہم براہ راست پوری قوم کی طرف سے جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے پاک فوج سے کہیں گے جو کرنا ہے کریں ہم ساتھ کریں کسی بغیرت کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کو روک سکے کہ پاکستان آرمی ایسا نہیں کرے جو میڈیا میں غدار ہیں ان کو ہم سنبھال لیں گے جو پوری قوم تنگ آئی ہوئی ہے دہشت گردی اور غداری سے پورا سوشل میڈیا اٹھا لیں پوری قوم کا مزاج اٹھا کے دیکھ لیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ان غداروں کو ختم کرو آ کے لو قوم اس وقت جو خون میں نہلائی چلی گئی ہے لوگوں کی بس ہو گئی ہے اب زیادہ میں صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ طالبان نے کالاش میں رہنے والے اسماعیلیز اور این جی اوز کو جو کالاش میں چترال میں ہیں ان کو تھریٹن کیا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں ورنہ دے ول ہیو ٹو فیس ڈیتھ اور ان کے خلاف انہوں نے ایک آرمڈ سٹرگل جو ہے وہ بھی لانچ کرنے کا اناؤنسمنٹ کی ہے اسماعیلی لوگوں کی کمیونٹی جو ہے چترال میں ان کے خلاف تو یہ کون سا اسلام ہے دیکھیے یہی بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ ان خوارج کے ذریعے جو سی آئی اے اور رو دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام کا اصل چہرہ تو یہی ہے کہ تم ان کی شریعت مان لو ورنہ ہی گلے کٹوا لو اپنے 1400 سال اسلام پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے بڑی بڑی تہذیب اور سولیزیشن قائم کر چکا ہے ہندوستان میں ہم نے 1000 سال حکومت کی اگر تلوار کی زور پہ مسلمان کرتے تو آج ایک دلت ایک ہندو ایک شدر وہاں باقی نہ رہتا ساروں کو مسلمان کر چکے ہوتے اندلوسیا میں ہم نے 800 سال حکومت کی پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی جب یورپ میں یہودیوں کو قتل کیا جاتا تھا تو پوری یہودی آ کے خلافت عثمانیہ میں مسلمان دنیا میں پناہ حاصل کرتے تھے اندلوسیا میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں کی پناہ میں کئی 100 سال رہے ایک واقعہ آپ کو 1400 سال میں نہیں ملتا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف کوئی سختی یا طاقت کا استعمال کیا گیا بیت المقدس شریف چاہے وہ سیدنا عمر کے زمانے سے فتح ہوا اور 1967 میں جب ہمارے ہاتھ سے نکلا اتنے 100 صدیاں مسلمانوں کے پاس رہا یہودی اور عیسائی ساتھ ساتھ رہتے رہے ایک کو سختی سے مسلمان نہیں کیا گیا یہ کون سی شریعت لے کر آ رہے ہیں اور یہی ہم عرض کر رہے ہیں اور یہ کمیونٹیز انتہائی پیسفلی رہ رہی ہیں دیکھیے کوئی بھی ہو ہندو ہو عیسائی ہو سکھ ہو یہودی ہو چاہے اس میں کیلاش کے ٹرائبز ہوں جس کو یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک تو سب غیر مسلم ہیں صرف بات کیلاش کی ہے اسماعیلیوں کی کیلاش تو چلے ہیں ہی کافر لیکن نان مسلم ہیں لیکن اسماعیلی تو کم از کم مسلمانوں کا ایک سیکٹ ہے جس طرح شیعہ تو شیعوں کو کافر کہتے ہیں یہ تو بریلویوں کو کافر کہتے ہیں یہ اہل حدیث کو کافر کہتے ہیں مسئلہ ان کا کیلاش کے ساتھ اسماعیلیوں کے ساتھ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے جو انہوں نے خوارج کا اپنا ایک نیا فرقہ نکالا ہے جو شریعت اسلامی اور حضور کی احادیث اور قرآن کے مطابق دین سے خارج ہے اسی لیے خوارج کہا جاتا ہے ان کو یہ ورژن پوری دنیا میں سی آئی اے اور رو اس وقت پروموٹ کر رہی ہے پھر ان کو روکے گا کون دیکھیے صاحب اگر یہ جاتے ہیں وہاں پر اور اس قسم کی کاروائیاں شروع کرتے ہیں ان کمیونٹیز پر تو ان کو روکے گا کون دیکھیے اگین آپ ریفر کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ حضور نے جب ان کا ذکر کیا ہے تو فوراً یہ ذکر کیا ہے کہ سب سے بہترین فوج وہ ہے جو انہیں قتل کرے نیگوسیشنز کی بات نہیں کی گئی قتل کرنے کی بات کی گئی ہے فرمایا گیا جہاں دیکھو وہاں مار دو یہ نہیں کرو کہ نیگوسیشنز کرو ان سے اور پوری اسلامی ریاست گھٹنوں پہ آ جائے ان جہنم کے کتوں کے سامنے لیکن زید حمید صاحب عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے پچھلے دنوں جس پہ کافی کانٹروورسی بھی ہو رہی ہے ان کے مطابق جب ان کی میٹنگ تھی پرائم منسٹر اور فارمر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جنرل پرویز کیانی کے ساتھ تو پرویز کیانی صاحب کے الفاظ تھے کہ ملٹری آپریشن کے سکسس ریٹ صرف 40% ہے کامیابی کا ریٹ صرف 40% ہے جب اے پی سی 9 ستمبر سے پہلے میں نے کہا جنرل کیانی اور نواز شریف سے میں علیحدہ بات کرنا چاہتا ہوں تو میرے سامنے نواز شریف نے کہا کہ جنرل کیانی کہہ رہے ہیں صرف 40% چانس ہے جنگ کی کامیابی کی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ بات جنرل کیانی نے کہی بھی ہے تو آئی ول ٹوٹلی ایگری ود ہم ریزن بھی کہ ہم نے یہ بات کہی تھی ہم نے یہ بات کیانی کیوں کہہ رہے ہیں کہ 40% سکسس اگر یہ کہی میں بات نہیں کر رہا ہماری اگر یہ بات اس لیے کہ یہ بات تو ہم نے خود اپنے پروگرام میں کہی ہے یہ بات ہم بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ اگر افغانستان میں ان کے فرار کے راستے بند نہ کیے گئے تو آپ جتنے مرضی آپریشن کر لیں سی آئی اے اور رو ان کو پیچھے سے نکال کر لے جائے گی
100 में से आप 40 मार लेंगे 60 भाग जाएंगे, ये मतलब है 40% सक्सेस रेट का। लेकिन अगर आपने सारे कत्ल करने हैं उस घेरे में जो आए हुए हैं, तो अफगानिस्तान का रास्ता भी बंद करना पड़ेगा। और फिर उनके जो हजारों साथी आपकी जेलों में हैं, जिनको ये थोड़े थोड़े वक्फे के बाद छुड़ा लेते हैं, उनको भी कत्ल करना पड़ेगा। आप इनको कत्ल करना शुरू करें, कुरान के हुक्म के तहत किसास नाफिज करें, फिर देखें कि किनमें सक्सेस रेट आपके ऑपरेशन का कितना होता है। इन सारों के घर हैं, ट्राइबल एरिया में एक रिवाज है, पूरे ट्राइबल एरिया में आज भी एफसीआर के तहत एक रिवाज होता है कि कोई शख्स अगर बगावत करे, कोई शख्स दहशतगर्दी करे, कोई जंग करे, तो पूरा कबीला जाके उसका घर गिरा देता है। और आज भी ये रिवाज, उसके नतीजे में एक आदमी पे सोशल प्रेशर होता है कि मैंने तो जुर्म किया, मेरा पूरा खानदान भुगतेगा। तो लोग फिर जुर्म नहीं करते, लोग रियासत के खिलाफ बगावत नहीं करते। ये जब ये पूरे मुल्क के बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, लोगों के घर वीरान कर रहे हैं, औरतों को बेवा कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमें ऑपोजिट होता हुआ नजर आता है कि दहशतगर्द जाके अमन लश्कर के जो लीडर हैं उनके घर में जाके अटैक कर रहे हैं, तो उनके घर में अफराद को कत्ल कर रहे हैं। जो ट्राइबल एरिया के अगर आप एफसीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो दहशतगर्द जिस जगह पर उसके घर गिराए करें, क्योंकि एफसीआर कबायली तरीका ये रिवाज है, ये वो सदियों से रिवाज चला रहा है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मिलिट्री फोर्स लगाए, रस्ते अफगानिस्तान के बंद करें, और जो आपने पकड़े हुए हैं सवात से कराची तक, जितने दहशतगर्द आपने पकड़े हुए हैं उनको चौकों पर टांगे। पिशावर से कराची तक जीटी रोड पर आप 1400 दहशतगर्द टांग दीजिए। तो मैं फिर बार बार हम कह रहे हैं अल्लाह का हुक्म नाफिज करें, एक मरतबा के साथ नाफिज तो करो यार, फॉर गॉड से 5 साल हो गए मुल्क में सजाए मौत पर ही पाबंदी लगाई हुई है इन्होंने। जैद अहमद साहब, एक और बात जो सामने आई है तहरीके तालिबान की जानिब से कि अमन के लिए वजीर आजम को फौज की हिमायत एक तो वो कह रहे हैं हासिल नहीं है, फिर वो कह रहे हैं सीज फायर करने के लिए तालिबान दो शराइत पर करेंगे कि एक खवातीन बच्चों और मुअम्मर साथियों को रिहा किया जाए, और दूसरा फौज का नॉर्थ वजीरिस्तान से इवैक्यूएशन होना चाहिए, एफसी को रहने दिया जाए लेकिन सिर्फ फौज को वहां से निकाल दिया जाए तो वो सीज फायर कर देंगे। नॉर्थ वजीरिस्तान सख्त बात करेंगे, नॉर्थ वजीरिस्तान खवारिज के बाप का है कि हम फौज अपनी वहां से बाहर निकालें, पाकिस्तान का इलाका हम जहां चाहेंगे अपनी फौज रखेंगे, वो कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले कि फौज कहां रखेंगे। कह रहे हैं आप एफसी को रहने दें, फौज को निकाल दें, एफसी को सीज फायर कर देंगे। जो पूरी इंडिया और सीआईए की ताकत के साथ ये खवारिज सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, जिनको रोकने के लिए पाक फौज को डिप्लॉय करना पड़ा, पैरामिलिट्री फोर्स इनके आगे कैसे खड़ी होगी? फौज को क्यों भेजा है आपने वहां पे? सवाल आपने फिर पुलिस से और एफसी से क्यों नहीं खाली करवा लिया? आपको फौज क्यों भेजनी पड़ी, स्पेशल फोर्सेस और एयरफोर्स क्यों भेजनी पड़ी? क्योंकि इनको भी पता है कि एफसी और पुलिस इनके आगे नहीं खड़ी हो सकती, और फौज भेज इसीलिए फौज गई थी सवाल खाली कराने और साउथ वजीरिस्तान खाली कराने। ये सारे इनके इनके जो अस्तगफुरुल्लाह हम कहेंगे कि फांसी तो हुक्मरानों को देनी चाहिए, बाय गॉड अगर हमारे हाथ में इख्तियार होता हम नवाज शरीफ को टांग देते आज। तो फिर ज़ाहिद अहमद साहब, अब क्या ये समझ लिया जाए कि हुकूमत ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए? इन्होंने डाल दिए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि फांसी किनको देनी चाहिए? टीडीपी को बाद में फांसी दें, उनको तो हम हैंडल कर लेंगे। हमारी पुश्त में खंजर तो ये बेगैरत मार रहे हैं कि जो इतने कमजोर हैं कि जिनको नजर ही नहीं आ रहा कि आप नरेंद्र मोदी के आने से पहले आपको टीडीपी की कमर तोड़नी है। अगर ये टीडीपी मौजूद रही अपनी जगह पे और वहां नरेंद्र मोदी आ गया और उधर अमेरिकन ने कह दिया कि हम अफगानिस्तान से नहीं निकल रहे, उस सूरत में तुम क्या करोगे? तीन अतराफ में कैसे लड़ोगे बगैर? लेकिन यहां तो लग रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कमर तोड़ने पर लगी हुई है नरेंद्र मोदी के आने से पहले। ज़ाहिद अहमद साहब, एक और जो खबर सामने आती है एक सर्टन मीडिया ग्रुप की जानिब से, उनके मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है पाकिस्तान की, वो तमाम पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल लीडर्स इनके फोन टैप कर रही है और फिर इस कॉन्वर्सेशन को उनके आपस में डिफरेंसेस को बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर उनके जो लॉयल लोग हैं उनके दरमियान जो है फर्क पैदा किया जा रहा है इस चीज को यूज करते हुए। देखिए, चाहे मिसिंग पर्सन हो वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मुल्क में धमाके हो रहे हैं वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिनेमा हॉलों में धमाके हो रहे हैं वो भी एजेंसीज कर रही है मुजाकरात को खराब करने के लिए, हर काम मुल्क में एजेंसीज ही कर रही है ना। कोई सबूत कोई एविडेंस इनके पास इस खुराफात को बकने का? मुल्क में सिविलियन एजेंसीज भी हैं, ब्लैक वाटर सीआईए भी काम कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी पुलिस भी रिकॉर्ड करती है सारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, आईबी है, डिफरेंट इदारे मौजूद हैं, पूरा इतना बड़ा सीआईए का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में सिफारत खाने के नाम पर काम कर रहा है जो एक एक शख्स का फोन टेप कर रहा है, और पूरे पाकिस्तान में कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन महफूज ही नहीं है वो सीआईए के एशलॉन का जो इतना बड़ा उन्होंने इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नेटवर्क वहां बनाया हुआ है। बात यह कि एजेंसीज पे कैसे इल्जाम, किस एजेंसी, कोई सबूत किसी के पास है कि एजेंसीज का दिमाग खराब है, उनको और कोई काम नहीं है कि वो टीटीपी का टेलीफोन रिकॉर्ड करके उनको मारे कि जो खुद हमले कर रहे हैं पाकिस्तान पे, बनिस्बत दो इन सियासतदानों के आपस में लड़ाई करवाए? ये बिल्कुल बेवकूफ। देखिए, ये सारा डिसइंफॉर्मेशन एक पूरी प्रोपेगेंडा डिलिबरेट कैंपेन मीडिया में चलाई जा रही है। अब वो शख्स वो जो ड्रोन के लिए कैंपेन करने के लिए अमरीका जा रहा था, ड्रोन के खिलाफ बात करने के लिए, उसको किसी ने उठा के गायब कर दिया। अगर वो जाता है वहां पर ड्रोन के लिए बयान देने के लिए, तो उसका सरासर नुकसान अमेरिका को था, सीआईए को था।
लेकिन इल्जाम ISI पे कहां से दिया जा रहा है, आर्मी पे क्यों दिया जा रहा है? पूरा मीडिया, एक बड़े बड़े मीडिया ग्रुप जो है इल्जाम ये लगा रहे हैं, जो नॉन ट्रेटर साहफी हैं वो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि ये ISI उठा के ले गई। ISI ने तो बाकायदा जंग की हुई थी CIA के खिलाफ, दो CIA के स्टेशन डायरेक्टर्स को जनरल पाशा के दौर में पाकिस्तान से निकालकर बाहर फेंका गया ड्रोन इशू के मसले पे, उनके खिलाफ पर्चे करवाए गए थे इस्लामाबाद में। ISI तो प्रमोट कर रही है इस बात को कि किसी तरह CIA के खिलाफ केसेस फाइल हो जाएं दुनिया में अदालत में जाके, तो इस बंदे को जिसको हेल्प की गई थी, असिस्ट किया गया था, जिसको सपोर्ट किया गया था कि ये आगे जाके खड़ा हो और बात करे CIA के खिलाफ, उसको ISI क्यों गायब करेगी उस वक्त जब वो जाके दुनिया के आगे बयान देने जा रहा था? उसको तो CIA गायब करेगी। जी जाहिद साहब, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद, आपने भी पिछले दिनों 35 पंक्चर्स की गूंज सुनी होगी पूरे मुल्क में, हम उस पर भी आपका कमेंट लेना चाहेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, वी बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे कि जो हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स में, पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत का अमल दखल होता हुआ नजर आया है, और फिर 35 पंक्चर्स की गूंज से पूरे मुल्क में हमें जो है क्रिकेट बोर्ड हिलता हुआ नजर आया है, हम वो भी मालूम करना चाहेंगे कि उसमें कितनी हकीकत है। ज़ाहिद अहमद साहब, इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को शुरू करें, आई वुड लाइक यू टू लिसन टू व्हाट इमरान खान हैज टू से। वो कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब को 35 पंक्चर लगाने का सिला दिया गया है, इसलिए उन्हें चेयरमैन ऑफ PCB जो है अपॉइंट किया गया। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। पंक्चर के बाद नई ट्यूब डालनी पड़ती है और उनको फिर PCB चेयरमैनशिप की रिवॉर्ड दिया, जबकि सुप्रीम जो हाई कोर्ट ने जका अशरफ को लेके आए वापस बहाल किया गया, इसलिए क्योंकि 35 पंक्चर लगाए थे। मैं जितना मायूस हूं इलेक्शन कमीशन से, हमें पता ही नहीं था कि फखरुद्दीन इब्राहिम साहब के हाथ में था ही कुछ नहीं, सारा कुछ बंदर बांट हो गई थी, अपने अपने अंपायर खड़े कर दिए थे सूबों के अंदर, हमें पता ही नहीं था। हम चीफ जस्टिस के ऊपर इतमाद करके और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतमाद करके मैच खेलने चले गए। जी ज़ाहिद हामिद साहब, क्या फरमाइएगा, हमें पिछले हफ्ते जो होता हुआ नजर आया है PCB में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जका अशरफ जो है वो सस्पेंड होते हुए नजर आए, नजम सेठी साहब जो है वो अपॉइंट होते हुए नजर आए चेयरमैन, और फिर इमरान खान साहब के मुताबिक नजम सेठी साहब को 35 पंक्चर्स लगाने का पे बैक किया गया, उनको सिला मिला है इस चीज का? देखिए, PTI की जिम्मेदारी है ये कि 35 पंचर वाली टेप अगर इनके पास है तो उसको सामने भी लाए। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि नवाज शरीफ धांधली से आया, इसमें भी कोई शुबे की बात नहीं है कि जो कुछ इमरान ने इसके हवाले से कहा है कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज था, सुप्रीम कोर्ट ने बिट्रे किया है कौम को, इफ्तिखार चौधरी ने धोखा दिया है पूरी कौम के साथ। मगर जहां तक नजम सेठी का ताल्लुक है, इस शख्स के बारे, इसके खिलाफ मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में गद्दारी का एक केस फाइल किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनती नहीं। इसका बैकग्राउंड जरा समझ लीजिए, बहुत से पाकिस्तानियों को इसका बैकग्राउंड नहीं मालूम है। यह शख्स सिक्का बंद पाकिस्तान का गद्दार, 70s में जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक मूवमेंट चल रही थी, पूरे बलूचिस्तान में एक आग लगी हुई थी, तो नजम सेठी उस वक्त अपने दीगर साथियों के साथ एक इन्होंने ग्रुप बनाया लंदन में, जिसको लंदन कॉमरेड ग्रुप कहा जाता था। आज भी अगर गूगल करें तो आपको इसकी तफसील मिल जाएगी। इसमें जस्टिस एस ए रहमान के दो बेटे थे, नजम सेठी था, और यह भी कहा जाता है कि जियो का इस वक्त का प्रेसिडेंट इमरान असलम भी इस ग्रुप में शामिल था। इमरान असलम अगर था या नहीं, लेकिन बहरहाल इमरान असलम के उस बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ इनके बड़े गहरे ताल्लुकात कहे जाते हैं। नजम सेठी उस बगावत में गिरफ्तार भी हुआ, पाकिस्तान आर्मी ने और ISI ने उसको पकड़ा और 8 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रहा। इसको सजाए मौत होनी थी, उस वक्त सजाए मौत दे दी जाती। जनरल जिया का दौर आ गया और जनरल जिया ने एक एमनेस्टी के लिए, एक मुफाहमत करने के लिए बलोचों से सारे बलोच रिहा किए, उसमें ये बदबख्त भी कहीं बचकर निकल गया। अगर उस वक्त इसको फांसी दे दी जाती तो मुल्क में बड़े फितने खत्म हो जाते। ये नोन, जैसे हमने कहा, सिक्का बंद, इसके हाथों पे पाकिस्तान का खून लगा हुआ है, ये पाकिस्तान पर हमले करता रहा, ये BLA के साथ मिलकर पाकिस्तान बलोचिस्तान तोड़ने की साजिशें करता रहा, और अब जिस तरह पहले BLA मार्क्सिस्ट हुआ करती थी, ये लोग कॉमरेड्स हुआ करते थे, इन्होंने लंदन कॉमरेड ग्रुप बनाया था, अब सारी BLA आज CIA के गोद में बैठी हुई है, तो ये साहब भी बराह रास्त अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, CIA के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात रखते हैं, और जो कुछ मीडिया पे ये बोलते हैं वो एक बड़ा जहरीला डिसइंफॉर्मेशन
एक मायूसी फैलाने वाले, एक प्रोपेगेंडा आर्मी और आईएसआई को बेइज्जत करने का, ये और हामिद मीर दोनों मिलकर एक ऐसा खूबसूरत पैकेज बनाते हैं, ये ऐसा पलीत नापाक पैकेज बनाते हैं पाकिस्तान को बेइज्जत करने का। और इनको जो इस तरह इन पर कर्म किया जा रहा है, कभी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं, कभी सहाफी बन जाते हैं, यानी जितना ये हाई प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, जो इनके ताल्लुकात हैं मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर, जिसमें ये टीवी पे खुद कह चुके हैं कि। लेकिन जैद हमें सब, नवाज शरीफ साहब क्यों इन्हें, नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, क्या मकसद हो सकता है? देखिए, आप देख रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर इस वक्त बिग थ्री का एक बात चल रही है कि पूरा क्रिकेट, क्योंकि बिलियन ऑफ डॉलर्स का इसमें स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, शर्तें लगती हैं, पैसा इन्वॉल्व होता है, उसके लिए कौन कंट्रोल करेगा? तो आपने देखा है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर और वो सारा करके अपना एक कल्ट नेट बना लिया। और जका अशरफ जो थे वो मजाहमत कर रहे थे इंडिया के इस कंट्रोल के खिलाफ, मोनोपोली जो इंडिया क्रिकेट के ऊपर बनाना चाह रहा था। ये अरबों रुपए के पैसे की बात है, डॉलर्स, अरबों में डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, जुआ लगता है यहां पे। और ये साहब जो हैं, ये जैसे हमने कहा सिक्का बंद प्रो इंडियन है, ये सेफमा के आदमी है, ये प्रो इंडियन आदमी है, ये नवाज शरीफ की जो आइडियोलॉजी है कि जिसमें पाकिस्तान के 60-70 से जायद पाकिस्तान के इकोनॉमिक के जितने बड़े बड़े एसेट वेल्थ प्रोड्यूसिंग इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करके ये एनजीओ को बेचना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ की तो ये आइडियोलॉजी है, वो तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को डिनाई कर चुका है कि हिंदू और मुसलमान पाकिस्तानी एक जैसी चीज है, बीच में सिर्फ एक फजूल सी लाइन लगी हुई है, वो भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का कर दिया है। लेकिन शेखी साहब तो कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट होकर आए हैं। देखिए, ये सारी खुराफात हर कोई बकता है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनके जो ताल्लुकात इंडिया से हैं, इनके जो ताल्लुकात अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, इनके जो ताल्लुकात नवाज शरीफ के साथ हैं, वो सबको मालूम है। और जो कुछ इस वक्त दुनिया में गेम हो रहा है, वो 35 पंचर वाली बात पे आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर वो टेप आ भी जाए और वो सच भी साबित हो, क्योंकि कोई वजह थी कि इनको अपॉइंट किया गया था केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आउट ऑफ नोवेयर। जाहिर है कोई ना कोई ड्यूटी, कोई ना कोई असाइनमेंट इनको दिया गया और उस वक्त से इनके ऊपर। क्या आपके ख्याल में नजम सेठी के पास कैपेसिटी है कि वो हुकूमत को किसी तरह से ब्लैकमेल कर सकते हो, जिसके अंदेशे के तहत ये चीज अपॉइंट की गई है उन्हें? देखिए, ये आदमी बहुत पावरफुल है, जैसे कहा कि इसके सीआईए और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट रॉ के साथ, फिर बीएलए के साथ बड़े स्ट्रांग ताल्लुकात हैं इसके, बाजी इसका पूरा हिस्ट्री इस तरीके से है। और इसको मुझे कंफर्म करने की जरूरत है, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया इस बात को, अगर हम चैनल के थ्रू हम कहेंगे, अगर किसी कोई बात मालूम है तो हमें प्लीज ईमेल करें कि इसने पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी 1962 में ली थी, उससे पहले ये पाकिस्तान का नेशनल भी नहीं था, और आने के फौरन बाद इसने बीएलए की मूवमेंट शुरू करवाई थी लंडन कॉमरेड ग्रुप के तहत, लेकिन इसको वेरीफाई करने की जरूरत है। सो इस आदमी का बैकग्राउंड जो है वो इतना नापाक और पलीत है कि सच्ची बात हम बताएं कि इसको माफी करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये सिर्फ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो आर्मी राइसाई ने पकड़कर इतने महीने इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, उस केस को दोबारा खोल ले, इसकी फांसी कन्फर्म हो जाती है। जैद अहमद साहब, ये भी बताइएगा कि हमें किसी और मुल्क में जो स्पोर्ट्स है उसका जो पेट्रन है वो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं, लेकिन किसी और मुल्क में स्पोर्ट्स में किसी भी गवर्नमेंट के लीडर का कोई अमल दखल नहीं होता, हमारे मुल्क में ये क्यों नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पेट्रन बने हुए हैं पीसीबी? देखिए, ये सारे ताजर, सूदखोर और जुआबाज हैं। अफलातून सुकरात बुकरात ने इसीलिए पहले सदियों साले बात कही थी कि कभी किसी ताजर को मुल्क का हुक्मरान ना बनाना, ये दीन, ईमान, इज्जत, आबरू सब बेच डालेगा, मुल्क का जोग्राफिया बेच देगा, और वो ये कर रहे हैं। इसलिए बात, ये सारे जुआ खेलते। आप देखते हैं जरदारी कितना इन्वॉल्व हुआ करता था, दुबई शारजा क्रिकेट क्लब दुबई होते थे, जरदारी बैठ के देखा करता था उसके, बड़े बड़े इनके सारों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, स्टेक्स इन्वॉल्व है, अरबों डॉलर के जुए लगते हैं इनके ऊपर, पैसे का खेल होता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। इन्होंने आने के बाद नजम सेठी ने किस तरह जियो को फेवर किया वो भी हमारे सामने था कि सारे राइट्स इस तरह जियो को देने की बात आई थी। तो फिर ज्यादा साहब, खेल में खेल नहीं होगा, सियासत होगी, अब सियासतदान चलाएंगे स्पोर्ट्स को भी। खेल में अब खेल तो रह ही नहीं गया, अब तो सिर्फ जुआ है, सिर्फ पैसे का खेल है, चाहे वो आईपीएल हो, इंडियन क्रिकेट लीग हो, चाहे ये आईसीसी को उन्होंने गेम कर लिया, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, ये सिवाय जुए के और कुछ भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट जो पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा किया करती थी, जिसमें हमें बड़ा एक पूरी कौम, चाहे वो बड़ी अजीब सी बात लगती है, एक जज्बा होता था, पूरी कौम इकट्ठी हो जाती थी, अमीर गरीब हर तबके कौमियत लसानियत का फर्क खत्म हो जाता था, एक स्ट्रांग खेल इंडिया के खिलाफ हम खेलते थे या कहीं मैचेज होते थे, कौम इकट्ठी हो जाती थी। अब हमें इतना मायूस किया है कि जब से हमें पता लगा किस तरह मैच फिक्सिंग है, किस तरह जुए खेले जाते हैं, किस तरह खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, किस तरह अब तो उन्होंने, अब आप देख रहे हैं कि क्रिकेट होती रहती है लेकिन अब कौम के अंदर वो जज्बा पैदा नहीं होता। ये बजात खुद कौम को डिमोरलाइज करके, तकसीम करके, उन इश्यूज के ऊपर कि जो कौम को तकसीम करते हैं, उन सारे इश्यूज पे कौम को डाल दिया, और वो इश्यूज जो कौम को मुतहद करते हैं उन इश्यूज को खराब और सेबोटाइज करने के लिए इन जैसे लोगों को लाया जाता है। अगेन, ये भी फिफ्थ जनरेशन वॉर का वो एस्पेक्ट है कि जो आपको जाहिर नजर नहीं आता लेकिन हर चीज मैटर करती है, रियासत को, रियासत के लोगों को मायूस करके रियासत को बिखेरने में।
तो फिर नेशन की जो यूनिटी के फैक्टर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो हमें ये बताइएगा जाहिद हामिद साहब कि बिग थ्री का जो इशू नजर आ रहा है उसमें पाकिस्तान अब अकेला रह गया है, श्रीलंका भी जो है वो भी ज्वाइन इन कर गया है बिग थ्री टीम में, तो अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए बात यह है कि ये कौम जो अपनी जिंदगी और मौत के मसले पर स्टैंड नहीं ले सकती, जो तहरीक तालिबान खवारिज के खिलाफ मामला है, तो ये आईपीएल क्रिकेट लीग तो सच्ची बात है हम ना भी खेले क्रिकेट तीन साल तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम निकल ही जाएं क्रिकेट से तो अच्छा है, क्योंकि अब तो कौम की सर्वाइवल का इशू हो गया है। असल बात अब प्रायोरिटीज की बात करें, अब प्रायोरिटी इस वक्त सबसे पहले खवारिज का है, उसके बाद यह है कि ये जो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं इंडिया के लिए, जो कुछ ये खोलने जा रहे हैं, जो पूरा पाकिस्तान बेचने जा रहे हैं। आपको हमें सिर्फ एक वाक्य यहां पर सुनाएंगे, यमन के सदर ने, यमन के बादशाह ने, जो प्रेसिडेंट है वहां का, उसने फैसला कर लिया है कि यमन के जितने सूबे हैं उनको तोड़कर यमन को तकसीम करके पांच मुल्कों में तकसीम कर दिया जाए। आप सोचें वो काम जो यूगोस्लाविया के लिए इनको इतनी जंगें करवानी पड़ी, जिस काम को इराक के लिए इतनी जंगें इनको करनी पड़ी, अब इन्होंने मुल्क के हुक्मरान खरीदने शुरू कर दिए जो इनके अहकाम के मुताबिक वैसे हालात बनाएंगे कि मुल्क के सूबे बिखर कर अलग हो जाए और पांच आजाद मुल्क यमन की जगह पर खड़े हो जाए। ये यमन में बाकायदा प्लान शुरू हो चुका है और यही बात हम वार्न कर रहे हैं कि ये जो फिफ्थ जनरेशन है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि पाकिस्तान के हिस्से बखरे कर दिए जाएं। आपने कर्नल रॉल्फ पीटर्स वाला वो भी सुना था, आपने अमेरिकन लुई गोमट जो बलूचिस्तान को आजाद कराने की बात कर रहा है, उससे पहले रोबाकर ने यह बात कही थी। ये सारा गेम जो बीएलए टीटीपी का चल रहा है इस वक्त, ये पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने के लिए, और नवाज शरीफ की हुकूमत को ये डेमोक्रेसी सीआईए स्पॉन्सर्ड डेमोक्रेसी है। अंग्रेजी में कहावत है कि बी नाइस टू अमेरिका और दे विल ब्रिंग डेमोक्रेसी टू यू, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुक रखो वरना ये तुम पर जमहूरियत ले आएंगे। और इस जो आज बेड़ा गरक हमारा हुआ है, ये मुल्क नीचे से तो खत्म हो रहा है, अल्लाह ना करे पूरे दहशतगर्द खून के नदियां बहा रहे हैं, और जो हमारे दौलत पैदा करने के असासे हैं ये सारे बहुत जल्दी में चंद महीने के अंदर सारे के सारे इंडियन कंपनीज को फरोख करने जा रहे हैं। फ्रंट पे आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे, पीछे सारे अंबानी और टाटा ग्रुप्स होंगे, ये करने जा रहे हैं। आज अगर एक लाहौर के जायद हामिद साहब, क्या हम पपेट्स बनकर रह जाएंगे सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्सेस के? पूरी पाकिस्तानी कौम सिर्फ मुलाजिम और नौकर होगी यहूदियों की, हिंदुओं की और ईसाई कंपनियों की, कि जो पार मगरब से आकर पाकिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूरे मुल्क पर ये कब्जा कर चुके होंगे। इराक का आज सारा तेल, इराक सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूस करने वाला मशरक वस्ता का मुल्क है सऊदी अरब के पास, सारा तेल उसका यहूदी और ईसाई कंपनियों के पास है, और इराकियों को दो दो मील लंबी लाइन लगानी पड़ती है 2 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए। ये पाकिस्तान के साथ ये करने जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान। आज लाहौर, आप पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर को देखिए, भरा हुआ है इंडियन ट्रेड डेलीगेशन से, और वो आइटम्स इंडियंस को इजाजत दे दी गई है जो आज तक बैंड थी पाकिस्तान में, बिल्कुल नेगेटिव लिस्ट में थी, अब खोल दिया गया है कि इंडियन जो चाहे मटेरियल लाए पाकिस्तान में फरोख करें, पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री खत्म हो जाए, वो आके हमारी पूरी इंडस्ट्री खरीद ले, सारे इदारे खरीद ले। इस और ये जो गेम चल रहा है ये जो, और सवाल पूछने पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ की जानिब से ये आता है कि इंडिया भी नेगेटिव लिस्ट के जो आइटम्स उनको इजाजत दे देता है पाकिस्तान की, तो इंडस्ट्री ही खत्म हो गई पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तो आपने पहले एनर्जी की वजह से खत्म कर दिया, सारी जो हमारी वेल्थ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री थी वो बांग्लादेश मलेशिया इधर उधर चली गई, जो छोटी मोटी इंडस्ट्री लग गई उसमें ना गैस है ना बिजली है, वो वैसे ही लॉस में जा रहे हैं। तो जब इतने भारी पैसे उनको ऑफर किए जाएंगे बाहर से आके, तो पूरी इंडस्ट्री हमारी बाहर की कंपनी खरीद के ले जाएंगे। लेकिन शायद हामिद साहब, इस हुकूमत ने जी प्लस स्टेटस भी तो दे दिया है पाकिस्तान को। देखिए अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम क्या कहें, इसका हर अमल बेबरकत है, इसका हर अमल बदनीयती पर मबनी है। इस हकूमत को जो बात हम अर्ज कर रहे हैं कि जो इतने अहमक हैं, कभी कारजाई के साथ इन्होंने मुलाकात की तुर्की में जाकर, तो मुल्ला फजलुल्लाह के बारे में बात की तो कारजाई ने कहा मुल्ला फजलुल्लाह तो हमारे पास नहीं है, अगर होगा तो हम ढूंढेंगे। इन बेगैरतों के पास सबूत नहीं था कि ये कहते कि तुम्हारे मुल्ला फजलुल्लाह और टीटीपी के सारे लोगों को तुम्हारी अफगान नेशनल आर्मी तो पकड़कर ले जा रही थी जब अमेरिकन फोर्सेस ने इंटरसेप्ट कर लिया। लतीफुल्ला वाला वाकया जो इतना मशहूर है, फजलुल्लाह जो उनके पासपोर्ट पे घूम रहा है, इन्होंने उससे आंखों में आंखें डाल को बेइज्जत नहीं कर सके कारजाई को। ये क्या दिखा रहे हैं? क्या हमारी हुकूमत का होमवर्क करने की कमी है? क्यों नवाज शरीफ साहब की टीम जो है 14 साल पहले वाले सिस्टम पे आ गई है? देखिए आज के थ्रेट, मैं पूरी तरह कन्विंस हूं, मुझे इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल हिटमैन है। जिस तरह इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं जो आते हैं मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए, ये पॉलिटिकल हिटमैन है। ये लाए गए हैं पाकिस्तान को इस फिफ्थ जनरेशन वॉर में, इसके दौर में बखेर दिया जाएगा 5-6 सूबों में, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। ये हिटमैन है, भेजा गया क्योंकि अहमक है, एब्सोल्यूट इडियट, इसको कुछ नहीं पता, इसके जहन में बिठा दी, इसको सहमा कंट्रोल करती है। इम्तियाज आलम और इस तरह के लोग इसके घेरे में आए हुए हैं, नजम सेठी जैसे लोगों ने इसको घेरा हुआ है, जो खालिदतन इंडिया की जेब में रखे हुए हैं, बस आईएमएफ की टर्म्स पे चल रहा है ये। इसके पास अपनी कोई दिमाग कोई मेंटेलिटी है नहीं। इसके जो इसहाकदार जो है उसके दुबई के अंदर जो जितनी वेल्थ है इस पूरी फैमिली के पास, जो पूरे आपस में रिश्तेदार है सारे के सारे, एक फैमिली है, डायनेस्टी है जो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रही है, और ये सारे बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, पैसा बनाने की खातिर अपनी इज्जत आबरू जान माल बेच डालेंगे।
और दे हैव बीन सेंट फॉर दिस पर्पज। इनको फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान पे इंडिया हुकूमत करे, ब्रिटेन हुकूमत करे, अमेरिकन हुकूमत करे, इनको पैसा बनाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो यहां बहुत से गद्दार उनको मिल गए थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर पूरा मुल्क उनको दे दिया इस शर्त पे कि हुकूमत हमारी रहेगी, बाकी आप जो मर्जी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते हैं, जो ईस्ट इंडिया में करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुल्क कब्जा किया था, फौजों ने कब्जा नहीं किया था हिंदुस्तान पर, याद रखेगा, तजारती कंपनियों ने मुल्क पर कब्जा किया था। आखिर में फौजें तो सिर्फ आई थी मुगल सल्तनत का कलाकमा करने के लिए, और यही पाकिस्तान के साथ अब ये करने जा रहे हैं। आखिरी स्टेजेस है, आखिरी दौर है, हम फिर बार बार बता रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी से एड्रेस करके कह रहे हैं जो करना है वो कर गुजरो, हम साथ खड़े, चंद हफ्तों के बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, करना भी चाहोगे फिर नहीं कर सकोगे, पूरी कौम पाक आर्मी के साथ है, डू व्हाट यू हैव टू डू, वी विल स्टैंड विद यू एट ऑल कॉस्ट एट ऑल टाइम्स इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया जायद हामिद साहब। नाजरीन, हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो हमें पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है, जो 7 महीने पहले 2/3 मैंडेट लेकर हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, उस हुकूमत के अगर 7 मंथ्स को एनालाइज किया जाए तो मुजाकरात के नाम पर अवाम का खून बहा हमारे सामने नजर आ रहा है और इवन खेलों में भी सियासत नजर आ रही है, तो क्या अब जायद हामिद साहब के मुताबिक अवाम के लिए एक आखिरी उम्मीद की किरण फौज ही रह गई है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।